अस्सलाम वालेकुम, एसएसएन न्यूज़ के साथ मेरा नाम है मलिक सुराका अयूब। एसएसएन न्यूज़ आज आपको दिखाएंगे चूनिया के कुछ ऐसी इमारतें, ये जो मेरे पीछे आप इमारत देख रहे हैं ये 1947 की इमारतें हैं, जब पाकिस्तान और इंडिया यहाँ पे इकट्ठे थे तब की ये इमारत है। सुनने में आया है कि ये इंडिया का मंदिर है, यहाँ पर इंडिया के जो हिंदू थे यहाँ पर अपना पूजा वगैरह किया करते थे, और ये अभी भी चूनिया में अभी भी ये इमारत वैसे ही खड़ी हुई है, लोगों के लिए रखी हुई है कि इस इमारत में लोग आएं, देखें इस इमारत को जाए। अभी नाज़रीन हम इसके अंदर लेके चलते हैं, आपको दिखाएंगे कि इसके अंदर दीवारों के ऊपर नेम लिखे हुए हैं हिंदी में, जो मुझे तो समझ नहीं आएंगे। और यहाँ के मुकामी शहरों का कहना है, शहरियों का कहना है कि इसके अंदर सोना था। तकरीबन 1.5-2 माह की बात है कि सिख लोग आए हैं यहाँ पर, अपना सोना वगैरह निकाला और यहाँ से चले गए हैं, और जैसे जैसे उन्होंने सोना निकाला है वैसे वैसे छत के ऊपर इतने इतने बड़े होल हुए पड़े हैं जहाँ से उन्होंने सोना निकाला है। तो आए मेरे साथ, मैं आपको अंदर का मनाजिर दिखाता हूँ कि अंदर क्या सीन है। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम इसके अंदर जा रहे हैं, इसके अंदर हम आपको दिखाएंगे कि उन लोगों ने कैसे यहाँ से सोना निकाला है और कैसे इन लोगों ने यहाँ पर ये इमारत को खड़ा किया हुआ है। तो नाज़रीन हम आ चुके हैं इसके अंदर, और अभी हम इनको दिखाएंगे कि यहाँ पर कैसे इन्होंने सोना निकाला और कैसे इन लोगों ने इमारत को अभी खड़ा किया हुआ है। तो नाज़रीन हम इस वक्त मौजूद हैं इसके अंदर, और हम आपको दिखाएंगे कि उन्होंने ये सोना कैसे निकाला था। इसके अंदर जो बड़ा होल है उसके अंदर से इन लोगों ने सोना निकाला है, और ये जो पेंट है उनके दौर का पेंट है, बहुत पुराना पेंट है, अभी तक भी ये पेंट बिल्कुल वैसा का वैसा है। और नाज़रीन आप देख सकते हैं इनकी दीवारें किस अंदाज से खड़ी हुई हैं, किस तरीके से खड़ी हुई हैं। और आपको एक बात और बता दें कि इनकी दीवारों के ऊपर इनके हिंदी राइटिंग में इनके नेम लिखे हुए हैं, वो हमें नहीं पता क्या लिखे हुए हैं। नाज़रीन ये हिंदू दौर का ये इनका ये मकबरा मंडित है, पता नहीं क्या चीज़ है। और नाज़रीन ये इनका पेंट अभी तक बिल्कुल वैसे का वैसा है। और जैसा कि नाज़रीन आप देख सकते हैं ये इनकी तस्वीरें कुछ कुछ ज़ाहिर हो रही हैं, कुछ कुछ ज़ाहिर हो रही हैं, क्योंकि वो पेंट ख़राब होने की वजह से इतनी ख़ास ज़ाहिर नहीं हो रही। जी तो नाज़रीन अभी कुछ और भी चीज़ आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर जिस साइड पे मैं खड़ा हूँ, सुनने में आया है यहाँ के मुकामी लोगों का कहना है कि ये सुरंगें हैं, यहाँ से इंडिया तक ये सुरंगें जाती हैं। यहाँ के मुकामी लोगों ने इन सुरंगों को बंद कर दिया और यहाँ पे मिट्टी वगैरह डाल के इन सुरंगों को बंद कर दिया, और उसके नीचे भी एक सुरंग है, कैमरामैन वो भी दिखाएंगे आपको, इसके नीचे भी एक सुरंग है। सुनने में आया है कि वो भी इस वक्त बंद है, जो इंडिया के साथ अटैच होती है। जी नाज़रीन आपने देखा कि ये पुरानी इमारत, और ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए एसएसए न्यूज़ को फॉलो करें, और अपने मेज़बान मलिक सुराका को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।